गाइज, दरअसल फलों पर लगे स्टिकर फलों की गुणवत्ता को बताते हैं। इस स्टिकर में दाम, एक्सपायरी डेट और इसके अलावा एक PLU कोड भी दिया जाता है। अगर आप इनके बारे में जान जाते हैं तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाले फल खरीदने में आसानी होगी। फलों पर लगे स्टिकर में एक संख्या होती है जिससे आप यह जान सकते हैं कि यह फल प्राकृतिक तरीके से पकाया हुआ है या फिर कृत्रिम तरीके से पकाया गया है। फलों पर लगे स्टिकर का मतलब क्या होता है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अगर फलों में लगे हुए स्टिकर में 5 अंक का कोड लिखा हुआ है और यह कोड 9 नंबर से शुरू हो रहे हैं, जैसे 90234, तो यह फल जैविक तरीके से उगाया गया है और यह फल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। नंबर 2, अगर फलों में लगे हुए स्टिकर में 5 अंक का कोड लिखा हुआ है और यह कोड 8 नंबर से शुरू हो रहा है, जैसे कि 81356, तो यह फल जैविक तरीके से उगाया गया है लेकिन इनमें अनुवांशिक बदलाव किए गए हैं। नंबर 3, अगर फलों पर लगे स्टिकर में 4 अंकों का कोड है, जैसे 4089, तो इसका मतलब यह है कि फल कृत्रिम तरीके से पकाया गया है। इन फलों को कीटनाशक और रसायनों के उपयोग से पकाया गया है। ये फल सामान्य तौर पर सस्ते होते हैं लेकिन यह फल हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। गाइज, आपको यह जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप इंस्टाग्राम पर हो तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।